नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। जैसे लास्ट वीडियो हमने चेक किया था कि हम कंपैरेटर ब्लॉक इक्वल एंड लेस का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि जो ग्रेटर ब्लॉक है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लॉजिक को क्रिएट करने के लिए या लॉजिक बनाने के। तो जो ग्रेटर ब्लॉक है उसकी कंडीशन कहती है कि जब जब वैल्यू 1 दैट इज सोर्स ए ग्रेटर होगा सोर्स बी से या वैल्यू 2 से, तभी हमें आउटपुट वो जनरेट करके देगा। तो इसी चीज को हम वेरीफाई करें। तो वेरिफिकेशन के लिए हम एक इनपुट का इस्तेमाल करेंगे और एक काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। काउंटर अब लेट सपोज हम एक वैल्यू कंसिडर करते हैं 10 पल्सेस, एक आउटपुट कंसिडर करते हैं। अब इस आउटपुट को मुझे एक्टिव करना है जब हमारी काउंटर की पल्स 5 से ज्यादा हो जाए। तो उसके लिए हम कंपैरेटर ब्लॉक्स में ग्रेटर कंपैरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हमें 5 से ज्यादा पल्सेस पे आउटपुट चाहिए, तो सोर्स बी जो है वो हमारा 5 हो जाएगा। एंड कंपैरिजंस के लिए वैल्यू हम काउंटर से इस्तेमाल कर लेते हैं, C5:0.acc डाउनलोड करते हैं। तो जो ग्रेटर ब्लॉक है वो तब एक्टिव होगा जब वैल्यू 1 जो है ग्रेटर होगी वैल्यू 2 से, यानी सोर्स ए की वैल्यू ग्रेटर होगी सोर्स बी से, तभी हमें आउटपुट मिलेगा। तो उसको वेरीफाई करते हैं। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 5, आउटपुट ऑफ है। फर्स्ट पल्स 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5, सेकेंड पल्स, थर्ड पल्स, फोर्थ पल्स एंड फिफ्थ पल्स। 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, आउटपुट ऑफ। अब जैसे ही काउंटर की वैल्यू 6 होगी, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन वैलिड हुई, तभी यह आउटपुट हमें एक एक्टिव करके देगा। अब ये जब तक सोर्स ए की वैल्यू ग्रेटर रहेगी सोर्स बी से, तब तक के लिए आउटपुट ये कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता रहे। अगर काउंटर की वैल्यू लेस देन 5 हो जाती है तभी ये ऑफ हो पाएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता रहेगा जब तक हमारा सोर्स ए का वैल्यू सोर्स बी से ग्रेटर होगा। इसी चीज को हम टाइमर के थ्रू करके चेक करते हैं। टाइमिंग देते हैं 20 सेकेंड्स एंड लेट सपोज ग्रेटर देन 12 सेकेंड्स। अब जब हमारा टाइमिंग ग्रेटर देन 12 सेकेंड्स होगा तभी हमारा आउटपुट एक्टिवेट हो पाएगा। जब जब टाइमिंग जैसे जैसे चलेगी, सोर्स ए की वैल्यू सोर्स बी से कम है तो आउटपुट ऑफ है, जैसे सोर्स ए की वैल्यू ग्रेटर होगी सोर्स बी के तभी आउटपुट हमें एक्टिव मिले। और अगर मुझे डायरेक्टली कोई डायरेक्ट इंटीजर फाइल का इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक इंटीजर फाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू टाइप कर सकते हैं या HMI के थ्रू हम यहाँ पे वैल्यू टाइप कर सकते हैं। लेट सपोज की वैल्यू जब तक सोर्स ए की वैल्यू लेस देन सोर्स बी है तब तक के लिए आउटपुट ऑफ रहेगा, जैसे सोर्स ए की वैल्यू ग्रेटर होगी सोर्स बी के
तभी आउटपुट हमारा एक्टिव होगा। तो हमने देखा कि जो ग्रेटर ब्लॉक है वो तभी काम करता है जब वैल्यू वन जो है सोर्स ए की वैल्यू सोर्स बी से ज्यादा होगी, तभी वो आउटपुट को हाई करता है। थैंक यू।